एक क्विक और छोटी सी वीडियो आप सबके लिए कि जब पास्ता बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि उसमें हमने सब्जियां डालनी है या मीट डालना है, चिकन डालना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना आप सिंपल खाना बनाएं उतना टेस्टी बनता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पास्ता बॉईल किया है, इतना सा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ ऑयल लिया। ऑयल में एक क्यूब 2 इंच की जिंजर की और एक गार्लिक की वो ली और उसको पहले ऑयल में भूना। उसके बाद 2 टमाटर जिनको हमने नमक मिर्च हल्दी डालने के बाद, और कुछ नहीं डालना, नमक मिर्च हल्दी वो डालने के बाद टमाटर डाल के ये देखिए कैसे स्मूथ सी पेस्ट हो गई है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये सारा बॉयल हुआ वाला पास्ता। तो यहाँ गया हमारा पास्ता, ठीक है जी। अब इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। और जब ये हो गया ना मिक्स, इसमें अब आप सिर्फ और सिर्फ टमाटो सॉस डाल दें। जो केचप आती है ना, टमाटो केचप, वो थोड़ी सी आप इसमें डाल दें। तो ये देखिए मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब टमाटो केचप इसमें डाल दी है। इसमें विनेगर होता है तो इससे ये जो पास्ता है खट्टा मीठा सा टमाटो केचप से वो बन जाता है। और ना इसमें कोई बच्चे फस करेंगे कि हमें ये वेजिटेबल नहीं खानी, वो नहीं खाना। एकदम सिंपल सा खट्टा मीठा ऐसा वाला स्पाइसी पास्ता आप बना के खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें, बहुत टेस्टी बनता है। कुछ भी और इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और पास्ता हमारा रेडी 5 मिनट में, देखा, 5 तो नहीं, खैर 2.5 मिनट लगे। तो जी चलिए, ये रही हमारी एक और अच्छी सी क्विक सी वीडियो, होप आपको पसंद आएगी। मिलेंगे अगली बार किसी और ऐसी ही क्विक डिश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना मत खाइए, बहुत फ्राइड चीज़ें मत खाइए, ऐसी क्विक वाली चीज़ें बनाइए और हेल्दी चीज़ें बनाइए। सब्जियां हर वक्त डालने की ज़रूरत नहीं, मीट वगैरह हर वक्त डालने की ज़रूरत नहीं, सिंपल वाला बना के खाएं और ठीक रहें। ओके जी, बाय फॉर नाउ।